ऊपर आ जाओगे। लिंक्डइन के ऊपर आते हैं। आने के बाद क्या जी, वो फाइल के ऊपर जाएंगे, देन हम मूव करते हैं। मेरा हमने एडवर्टाइजर में जाना है, ठीक है। अच्छा वो एक चलेगी अब ये देखें किस पे क्लिक किया मैंने, एडवर्टाइजर में, ठीक है जी। अच्छा जब आप लिंक्डइन पे जाते हैं ना तो यहाँ पर एडवर्टाइजर आ रहा होगा या यहाँ पर भी आ रहा होगा कुछ इधर अंदर, ठीक है, बात समझ आ रही है। इधर एडवर्टाइजर पे आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे हम, एक हमारे पास डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें क्या हुआ, वो हो गया। अच्छा, एडवर्टाइजर पे आने के बाद देन क्या हुआ, मेरे पास क्या आया यहाँ पर, प्रोफाइल, मैनेज ईमेल प्रेफरेंस, मैनेजर, गो टू मैनेजर। ऐड के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या क्रिएट होगा, हमारा अकाउंट क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है। जो भी आपका अकाउंट होगा वो आपका इधर क्रिएट हो जाएगा और लिंक्डइन पेज बना के आप सेव कर लेंगे इसको, ठीक है। अब मैं करता हूँ इस पे क्लिक, अब ये देखें जैसे मैंने उस अकाउंट पे क्लिक करना है, आपका अकाउंट क्रिएट करेंगे तो अकाउंट बन जाएगा उसका, ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा है क्रिएट, अब तीन चीजें आ रही है, कंपेन है, कंपेन ग्रुप है, अकाउंट है, ठीक है जी। सबसे पहले हम प्लान के ऊपर देखते हैं, ब्रांड में ऑडियंस है और हमारी ब्रांड सेफ्टी, ठीक है जी। एडवर्टाइजर की बात करते हैं हम लोग, एड और क्या करूंगा इसमें, कंपेन, कंपेन वो कह रहा है इस ग्रुप की है, अगर इसको एडिट करना चाहें यानी कि नेम वगैरह तो वो भी आप एडिट कर सकते हैं, मैंने पहले से बनाई हुई है तो इसलिए, तो मैं इसको कहता हूं स्टेटस क्या देना, एक्टिव है, पॉज है या आर्शिव कर दूंगे। नेक्स्ट करता हूं, आप देखें यहां से आपका काम शुरू होगा। सबसे पहले आप क्या डिसाइड करते हैं, गोल, गोल ये तो पता है, ब्रांड अवेयरनेस क्यों होती है, वेबसाइट विजिट, सीएस एंगेजमेंट, वीडियो व्यूज, ठीक है जी, जॉब एप्लीकेशन, वेब कन्वर्शन, ठीक है, टैलेंट, जो टैलेंट लीड मेरा क्यों डिसेबल किया हुआ है, क्योंकि मेरे जो अपनी प्रोफाइल कल मैंने बताया था मैंने बनाई है, वो किस चीज़ की है, मैं लोगों को हायर करता हूँ उस पर, तो मैं खुद तो नहीं हायर होऊंगा ना, तो अगर आपकी है तो आपके लिए ये टैलेंट ओपन होगा, ठीक है। तो मैं एंगेजमेंट पे क्लिक करता हूँ, डन है। जैसे ही मैंने एंगेजमेंट पर क्लिक किया तो मेरे पास नीचे आ गया जी, तुमने ऑडियंस क्रिएट करनी है, जैसे फेसबुक में आपने ऑडियंस क्रिएट की सेम टू सेम वैसे ही है, ठीक है। लोकेशन क्या रखनी है, आप जैसे ऑडियंस उधर रखी थी वैसे ही इधर आप लोकेशन दे देंगे उसको, डन है। लाइक पाकिस्तान, इंडिया, जो भी देना चाहता हूँ मैं इंडिया कर लेता हूँ, इंडिया ये आ गया जी, ठीक है। मैं कहता हूँ जी फॉर एग्जाम्पल गुलबर्ग दे देते हैं, गुलबर्ग एंटर दी रिसेंट परमानेंट लोकेशन। ये लाहौर के कुछ डिविजन्स वो दे रहा है, ये डाटा दे रहा है, तो आप यही चूज कर सकते हैं। अच्छा जी क्लोज हो गया जी। उसके बाद पीपल इन अदर लोकेशंस,
वो है एक्सक्लूड कौन से कर रहे हैं, इंक्लूड कर, इंक्लूड और एक्सक्लूड में क्या फर्क होता है, इंक्लूड में क्या है हम दर्ज करते हैं और एक्सक्लूड मतलब क्या होता है निकाल देते हैं। अब लैंग्वेज क्या है जी उनकी, इंग्लिश बेसिकली वो चूज करेंगे आप। लाइक फेसबुक, जैसे मैंने आपको बताया ना फेसबुक क्या है सबसे बड़ा डैशबोर्ड, जिसने फेसबुक समझ आ गई जिसको, उसके लिए ये कुछ भी नहीं। अच्छा जी अब देखें वो कह रहा है कि इंक्लूड पीपल हु हैव एनी टू फॉलोइंग टू एट्रीब्यूट्स, किन किन लोगों ने ये जिनके जॉब टाइटल ये हैं वो करें, ऑडियंस लुक लाइक करनी है यानी किससे मिलती जुलती, थर्ड पार्टी करनी है ठीक है, लुक लाइक समझ है, रिटारगेटिंग। अच्छा इन ऑप्शंस में किसी चीज समझ नहीं आ रही तो मुझे बताएं जी, क्लियर है एजुकेशन जॉब टाइटल्स वगैरह ये हमने क्योंकि फेसबुक उसके अंदर बड़ी डिटेल से देखे हैं। अच्छा ये एक ऑडियंस सेक्शन क्रिएट हुआ है आपको ठीक है। अच्छा उसके बाद सिंगल इमेज ऐड लगाना है, क्रोजल ऐड लगाना है, वीडियो ऐड लगाना है, फॉलोअर ऐड, फॉलोअर ऐड बना के आपकी पिक्चर आ रही होगी साथ आपका फॉलोअप का बटन आ रहा हो, आपने फॉलोअर बढ़ाना है तो वो कहते हैं फॉलोअर बढ़ा देते हैं ये कर लेते वो कर लेते, कुछ बॉट के जरिए होते हैं कुछ ये पेड के जरिए होते हैं। डॉक्यूमेंट ऐड है, कन्वर्जन ऐड, कन्वर्जन ऐड कौन सा होता है कि बंदा किधर चला जाए कन्वर्ट होके, जो भी आपका व्हाट्सएप भी हो सकता है नहीं देखिए गोल एक होता है, एड फॉर्मेट एक होगा ठीक है ना, एक है सिंगल सिलेक्शन डन है। फिर हम कहते हैं जी सिंगल इमेज ऐड है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं आप लिंक्डइन ऑडियंस होगी है ठीक है, डेली बजट कितना लगाना चाह रहे हैं, इसकी सबसे महंगी ऐड इसकी लगती है $100 $120 $320 $500 इस तरह लगती है ठीक है, ऑडियंस भी वैसे ही देता है फिर और देता भी एग्जैक्ट है बी टू बी की डन है। रन कंपेन आप कब तक कंटिन्यूसली ऐड करना चाह रहे हैं, अगर डेट कोई एंड वाली डालना चाह रहे हैं उसको चेक इन करें और उसकी डेट की लास्ट डेट आप बता दें कि मैंने दो दिन तीन दिन जितने दिन चला, जैसे मैंने बढ़ाना उसने इधर ऑडियंस का बजट शेडर वो देख लिया तो वो एरर दे देगा बजट का ठीक है जी। हो क्या मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे ठीक है जी। कॉस्ट कैप क्या होती है कि आप सीपीसी कर दें, सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक ठीक है जी, आप कहते हैं जी कॉस्ट सीपीआर भी इसको कहते हैं कॉस्ट पर रिजल्ट, एक कॉस्ट पे कितना रिजल्ट है वही सीपीसी यानी कि कॉस्ट पर क्लिक, बात क्लियर हो गई है, यानी कि बंदा एक क्लिक करता है तो $1 चार्ज होगा, दो क्लिक करता है तो $2 चार्ज, मतलब ऐसे एक सीपीसी कॉस्ट वो जितनी आप डिसाइड, जब इस पे क्लिक करेंगे ना आप इस ऑप्शन पे तो वो आपसे सीपीसी पूछ लेगा, अभी 0.64 चल रहा है सीपीसी ठीक है, इतने डॉलर पे इस लिहाज से वो क्लिक दे रहा है, मैंने डिवाइड कर दिया ना, इसका फार्मूला भी मैं लिखवाता हूँ वो डॉक्यूमेंट्स में लिखा होगा डाना जी, मैं डैशबोर्ड समझ ले इसका ठीक है। अब ये साथ साथ जैसे जैसे मैं नीचे आता जा रहा हूँ वो आगे जाता जा रहा है। आप देखिए एट दिस कैंपेन अब क्या हुआ नेक्स्ट, नेक्स्ट ये हुआ कि उसने कहा कंपेन क्रिएट करनी है आपने, देखिए आप पहले क्या बना देते कंपेन बनाते थे एड ठीक है, उसके बाद क्या बना एड साइड बना देते, ये समझ ले कंपेन और एड साइड बन गए, अब एड बन गई, बात समझ आई बात क्लियर है यहाँ पे तो कंफ्यूजन यहाँ पे लिखता हूँ अहमद इंट्रोडक्शन कैटेगरी ठीक है, इसमें कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ आ गया एक स्क्रैपिंग किसके नहीं नहीं वो कर लीजिएगा ना, वो आपने अपने अकॉर्डिंग करने कंटेंट तो आपने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, तो मैं एक डिमी बना रहा हूँ www. ठीक है जी डन है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन याद है, ऐड बन गया कंपेन बन गई ऐड सेट बन गया क्या हुआ, नींद आ रही है हाँ पानी पी के अच्छा स्क्रैपिंग होगी जी ये चीज ठीक है, उसके बाद देन क्या जी यहाँ से आपने इमेज अपलोड करनी है, यहाँ पे आया मैं ठीक है, उसने कहा जी अपलोड द इमेज, यहाँ पर आया That's image we are selecting.
और इसका ये साइज और ये सारी चीजें ये आप कैनवा से, इसको ऐड लाइब्रेरी भी आप कर सकते हैं कि आपकी इधर एक मीडिया ग्रुप बन जाएगा जिसके अंदर लाइब्रेरी में पड़ी है वहां से आप कॉल कर रहे हो। तो इसमें कहता है आई सिलेक्टेड बाय 5 सजेस्टेड, डन किया जी। तो यहाँ पर आपकी इमेज आ जाएगी। अच्छा अल्टरनेटिव टेक्स्ट समझ आती है क्यों देते हैं हम लोग, नहीं। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं रही ना। तो इधर लिख देते हैं हम या टॉप 20 पॉइंट्स, डन। चलिए में सिलेक्ट हुई है प्रीव्यू की। अच्छा ये भी शो हो जाती है, ठीक है जी। वो इंटरनेट की वजह से हो रहा है, डन है जी। एंड ये फॉलोअर्स का साथ आ रहा है, ये साथ ये आ रहा है, क्लियर होगी बात। यार उसके बाद डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। हाय वेलकम, कोच अच्छा मैं उसको समझ नहीं मिला। अच्छा पोइट्स ऑफ द डे, ठीक है। अब इसको मैं कंट्रोल ए कंट्रोल डी और सजेशन में मैं इधर से ले सकता हूँ, ठीक है। वर्ड ट्यून यूज कर लिया हमने, ठीक है। सेलेक्ट ऑप्शन क्या करना चाहते, रजिस्टर सब्सक्राइब अप्लाई, ये भी आपको बताए थे, सब्सक्राइब करवा ले अप्लाई करवा ले डाउनलोड करवा ले, को बुक रख दे इसके पीछे, यानी कि उसका लिंक रख दे, यानी कि रजिस्टर्ड करवा ले वो आपके मेल, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ गई। अब ये क्या मेरा दैट्स मोबाइल व्यू है, ऐसे मोबाइल व्यू आ रहा है, ये हेडिंग आ रही है, ये इसके नीचे आ रहा है, ये रजिस्टर्ड का ऑप्शन क्लिक आ रहा है, और ये उसकी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड हो रहे होंगे। बात क्लियर है तो मसला आ क्रिएट करते हैं हम लोग। इसमें सीटी आर आ रहा है, यहाँ पर टोटल इंप्रेशन आ रहे हैं, टोटल अमाउंट इतनी स्पेंड आ रही है, ठीक है। ये सारा वो कहता है अब अपना ऐड तुम कर लो रिव्यू, मतलब सारा बन गया है, क्या करना है एंड पे वेरीफाई कर लो। मैं कहता हूँ वेरीफाई हो गया है, अपनी कहता बिलिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह कर लो। तो मैं कहता हूँ ये देखो क्या कह रहा है कि ये चीज़ें तुमने सेलेक्ट की हुई हैं, दोबारा देख लो। मैं कहता हूँ ठीक है, लॉन्च कंपेन पे करूँगा तो कंपेन लॉन्च हो जाएगी। वो कहता है क्रिएट एन अदर कंपेन, या आप अकाउंट का ओवरव्यू ले रहे हैं, अब बिलिंग सेंटर में आप चले जाएंगे और जो अपना होगा कार्ड की डिटेल्स वो इधर डाल देंगे आप, डन है जी। एड क्रेडिट कार्ड, और यहाँ पर आके इसके अंदर आप प्रॉपर इसकी डिटेल इसके जी जी आप कर सकते हैं, वो सर हर जगह यूज हो सकता है, ठीक है जी। डन है, एडवर्टाइजर है, साइट है, डेमोग्राफिक वगैरह ट्रैकिंग। अच्छा ये ट्रैकिंग जो होती है आपकी वेबसाइट जब इसके साथ लिंक होती है तो डन ट्रैकिंग शुरू होती है, पिक्सल ऐड हो जाता है, ऑनलाइन कन्वर्शन चेक करनी है ऑफलाइन तो पिक्सल के लिए ऐड हो जाती है सर। चलिए एड रन करना आ गया, चीज समझ आ गई है, ये था आपका ऐड का काम, ठीक है। तो सर मैं डॉक्यूमेंट्स में देख लूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में बड़ी डिटेल से लिख देता हूँ, ठीक है। तो वो मैं आपको कुछ रह ना जाए ना, ऐसे ही जी। अच्छा काम सिर्फ इतना सा ही है, ऐड रन करना, अकाउंट ऑप्टिमाइज करना और कंटेंट एंटर करना, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा इसलिए बताई जाती हैं कि आपको समझ आ जाए कि मेरे पास इतने टूल्स हैं, मतलब इतने हाथ हैं मेरे पास, और मैं इनको यूटिलाइज करके मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है। या कभी इंटरव्यू ऐसा होता है कोई इंटरनेशनल कंपनीज के अंदर या कुछ ऐसे मामला, तो वो फिर क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में तो नहीं इतनी ये कोलेबोरेशन या बाकी चीज़ें यूज होती है, लेकिन इंटरनेशनल कंपनीज बहुत यूज कर रही होती हैं। सवाल है किसी को तो पूछ ले।
ये वर्ड रूम की मैंने एक्सटेंशन यूज की है, ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करके फिर क्या करना होता है? कंट्रोल डी दबा दें, मैसेज कर लें। ठीक है, डन है। ये देखे ना, अब जैसे मैं इसके ऊपर आया हूँ तो साथ ही उसने मुझे वर्ड ट्यून इधर भी एक्टिव हो कर दिया। अब इसे मैं सिलेक्ट करूंगा तो वो वर्ड ट्यून एक्टिव हो जाएगा। सबसे बड़ा मसला पता क्या है, इधर भी हर जगह पे भी कंटेंट नहीं राइट होता किसी। सबसे बड़ा मसला ये है, मैं लिखे गया ठीक है, बात समझ आई है, कंटेंट के अकॉर्डिंग कंटेंट ही राइट हो रहा हूँ। अच्छा, जॉब पोस्टिंग हो चुकी है, जॉब्स के बाद में आपको B2B मार्केटिंग है, ठीक है। आप इसको जैज कैश से भी पे कर सकते हैं, सेल नेविगेटर को जो मैंने बताया ना, पेड आपने लेना होगा। फॉर एग्जांपल लिंक्डइन, तो आप जैज कैश से पे कर चुके हैं। ग्रुप्स का बता दिया था, सभी मार्केट प्लेस बता दी थी कल। प्रपोजल कैसे करना है, वो सैलरी वगैरह। अच्छा, सैलरी का इन तो ऑप्शन है, लेकिन पाकिस्तान में वो डिसेबल है, ठीक है जी। क्यों? वो क्या करता है ऑप्शन, वो ये करता है कि आप जहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल आप UAE में जा रहे हैं और वहां पर आप डिजिटल मार्केटर जा रहे हैं, सोशल मीडिया में जा रहे हैं, तो वो आपको हर कंपनी का बता रहा होता है, ये कंपनी आपको इतना पे करती है, लेकिन पाकिस्तान में वो अभी नहीं है। जी, लास्ट टाइम वी आर पोस्ट लिंक्डइन ऐड द बेस्ट है जी, मार्केटिंग सोल्यूशन है। उसके अलावा लिंक्डइन लर्निंग आपको बता दिया था, एम्प्लॉयर इंडिविजुअल लर्निंग हो सकती है। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि आपके 10 एम्प्लॉयज आप उनको ट्रेनिंग दिलवाना चाहते हैं, तो आप लिंक्डइन को पे करेंगे, लिंक्डइन के ट्रेनर जो वो उठाएगा और आपको उनकी ट्रेनिंग्स के लिए लगा देंगे, ठीक है। मुझे, मैंने कल लिंक्डइन ट्रेनिंग्स के ऊपर आपको लेके नीचे मैंने क्लिक किया था, मैंने कहा था कॉन्टेक्ट अस पे जाए, तो लिंक्डइन का नुमाइंदा जो आपसे बात करेगा। फिर उसमें लिंक्डइन फॉर बिजनेस है जी, ये पेज क्रिएट हो गया था हमारा सर, तीनों पेजेस की मैंने डिटेल भी आपको बता दी, ठीक है, सारी ऑप्टिमाइजेशन बता दी। अच्छा, पेप्सिको की एग्जांपल थी पेज की, उसका आपने देख लेना, पेप्सी की ना, पेप्सिको, ठीक है, उसको आपने एनालाइज करना है, ठीक है, लिंक्डइन पे, ठीक है जी। अच्छा, जब आप प्रोफाइल अपनी कंप्लीट करते हैं तो 30% ट्रैफिक उधर से ही आ जाती है। ये नहीं है कि आपने फॉर एग्जाम्पल नाम लिख दिया तो हेडिंग नहीं डाली, डिस्क्रिप्शन नहीं डाली, ठीक है, तो उससे क्या होगा आपका, आप रैंक नहीं कर सकते, ठीक है। आपकी 30% प्रोफाइल की जो स्ट्रेंथ होती है वो किस पर डिपेंड कर रही होती है, आपकी ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं किसको, कि पेज चीजों को मुकम्मल करके लिखना और एग्जैक्ट कीवर्ड्स के ऊपर लिखना, ठीक है, जिस प्राइमरी और सेकेंडरी के कम्बिनेशन से आपने वो बनाना होता है, ठीक है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ना वो कंटेंट राइटिंग के अंदर देख रहे होंगे, कैसे कंटेंट लिखना है, कमर्शियल ब्लॉग कैसे लिखने हैं, वो इंफॉर्मेशनल ब्लॉग कैसे लिखने हैं, ठीक है, उन सब चीजों में SEO राइटिंग कैसे करनी है, पेज को मैनेज करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद ये सारा देख लिया, पेज मैनेजिंग, लिंक्डइन कंपनी। अच्छा जी, फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट आफ्टर CTA, CTA मस्ट। अच्छा जी, लैंडिंग पेज। अच्छा, लैंडिंग पेज क्या होता है कि आपकी अपनी एक वेबसाइट है, उसका आपने पीछे लिंक दे दिया, तो वो क्या है, एक जिस पे आप लैंड करवा रहे हैं, इट्स अ लैंडिंग पेज, ठीक है जी। अच्छा, डील ऑफ दे नाउ दे। अच्छा, एक वेबसाइट बनाएंगे, आप लैंडिंग पेज में क्या क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे? वेबसाइट का नाम, कैटेगरी, अच्छा जी, फर्स्ट पेज वेबसाइट का आया। अब वेबसाइट का जो लैंडिंग पेज बनाना है उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहले पेज आएगा, पेज के अंदर फर्स्ट वेबसाइट आफ्टर CTA, जैसे पेज ओपन होगा वहां पर आपने कोई ना कोई क्या CTA दे देना है, कॉल टू एक्शन दे देना। आप अगले बंदे से ईमेल ले लें, अगले बंदे से नंबर ले लें, ठीक है। अभी आप नेक्स्टकल की साइट पे चले जाएं, PNY की पे चले जाएं, किसी पे भी चले जाएं, सबसे पहले आपका ईमेल और नंबर ले लेता है, ठीक है जी। न्यूज लेटर दे के वो ले लेना, फर्स्ट आपका CTA होना चाहिए। फिर लंबी चौड़ी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एग्जैक्ट वो लिखा हो कि हम करते क्या हैं और देते ऑफर क्या करते हैं, पर्पस अपनी स्टेटमेंट लिखी हो 3-4 लाइनों के अंदर, ठीक है। अब आपको वर्ड ट्यून मैंने दिया, उसके अलावा आगे टूल जब हम ब्लॉग राइटिंग या कंटेंट राइटिंग के ऊपर आ रहे होंगे तो आपको वो आइडिया हो जाएगा कैसे हमें ब्लॉगिंग करनी है, कैसे हमें कंटेंट राइटिंग करनी है, ठीक है। सिटी हो गए, डील ऑफ द डे और द बुक। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आता है वहां पर आपकी डील चल रही हो, जैसे ब्लैक फ्राइडे डील चल रही होती है लोगों की, ठीक है, डिफरेंट तरह की डील्स चल रही होती है,
चार पांच पेजेस की या छह पेजेस के एक नॉवल बना के कैनवा के ऊपर आपने लगाया हो, और जो बंदा भी उस पर क्लिक करे उससे ईमेल ले, ईमेल लेके उसको वो पांच छह पेजेस डाउनलोड करवा रहे, बात समझ आई है? उसमें स्ट्रेटजीज दे दे, हबस्पॉट की मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाई थी, खैर आप डील ऑफ द डे बुक नाउ रजिस्टर्ड। आप देखें, अब मैंने उधर एक सेंस क्रिएट की, बंदा आया मेरे लैंडिंग पेज के ऊपर, बंदे ने आते साथ ही लैंडिंग पेज के ऊपर सबसे पहले क्या किया, मैंने क्या कहा उसको, डील ऑफ द डे, क्या मैंने कहा डील ऑफ द डे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा, डील ऑफ द डे क्या है, मेरी बुक नाउ रजिस्टर्ड, अगर तुम रजिस्टर्ड आज करोगे तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें अर्ली बर्ड वेबिनार फ्री दे रहा हूँ, ठीक है, और क्या दे रहा हूँ, तुम्हें ये बुक फ्री मिल जाएगी। बुक बनाने में पांच, आप समझ लो प्रॉपर आपके पास कंटेंट होगा, ठीक है, कैनवा पर बुक पूरी मिल जाएगी, बात समझ आ गई है? आपका ये डॉक्यूमेंट्स डॉक्स का जो है उसमें डिजाइन करेंगे, ठीक है, तो यूज करें उसको, कवर लेटर्स वगैरह अच्छे से बना के। Testimonial and reviews for client, word of mouth is the best strategy. मैंने इसके अंदर कीवर्ड यूज किया, word of mouth is the best strategy. आपका क्लाइंट है, अब ये बात समझ नहीं है, आपका क्लाइंट है, मैंने कहा एक मैंने लाइन यूज की इसमें अंदर कि word of mouth a best strategy आपकी, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि जब बंदा बोल के बता रहा है ये बंदा अच्छा है, इज अ वर्ड ऑफ माउथ, इससे बड़ी मार्केट कोई नहीं हो सकती, बात समझ आ गई है? क्लाइंट से आप रिव्यू ले लें, क्यों आपसे इन्होंने रिव्यू लिया, वजह द वर्ड ऑफ माउथ। अब जब आपने अच्छा बोल दिया ना, बुरा नहीं बोल सकते, द वर्ड ऑफ माउथ, बात क्लियर है? अब आपने क्या करना है, लोगों से भी देखिए चीजों को सीखें कि कैसे काम हो रहा है, लोगों से रिव्यूज, लोगों से क्लाइंट के पास आप गए, क्लाइंट बड़े प्यार से उसको रिव्यू लेते हैं, ठीक है, ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। अब आपके बारे में फॉर एग्जांपल मैं एक रिव्यू देता हूँ कि जी मैंने एक दूसरे के बारे में रिव्यू डाल दिया, सिंपल सी बात है, मैंने इनसे ये टाइल्स खरीदी है और आप कहते हैं मैंने इनसे बुक्स खरीदी है, ठीक है, नहीं भी खरीदी तो बस जा रहे, ठीक है, और मैंने जब इनसे खरीदी है तो इनके अर्ली बर्ड के अंदर बेसिकली मैं मौजूद था और इन्होंने मुझे इतने इतने डिस्काउंट दिया, और जब मैंने उस बुक को पढ़ा तो मेरी जिंदगी बदल गई, बात सिंपल सी बात, बात क्लियर है? मैं इंतहा शुक्रिया अदा करता हूँ इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उसका नाम दे दी, ठीक है, तो लाइक मैंने आपको स्क्रिप्ट दे दी इसके लिए। प्रॉब्लम पता कहाँ है, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम, जितने भी आइडियाज आपके साथ शेयर करता हूँ ना उनमें से कुछ चल ही पकड़ ले तो चीजें बदल जाएंगी, ठीक है, और वो बदलाव क्या तरफ शुरू हो जाएगी, ठीक है, और जितने अच्छे तरीके से ये टूल्स आप लोग जान गए हैं, हम चीजों को चलाना जान गए हैं, ठीक है, और ये एक इन्फ्लुएंसर बनने के लिए, अपनी मार्केट करने के लिए बहुत, बात क्लियर है ना? उसके बाद अच्छा एग्जैक्ट पर्पस स्टेटमेंट्स, अच्छा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा लैंडिंग पेज में क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारा फर्स्ट पेज और द वेबसाइट आफ्टर सिटी है, एग्जैक्ट पर्पस ऑफ द स्टेटमेंट, ये नहीं कि लंबी चौड़ी ऐसे ही थोड़ी होगी, नहीं, वी आर ऑफर द ट्रेनिंग्स मार्केटिंग डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है, और नीचे एक पंचिंग लाइन डाली है, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग सर्विस, मैं अपनी पंचिंग लाइन ये कह देता हूँ कि योर क्लाइंट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब बंदे को क्या चाहिए, क्लाइंट चाहिए, और मैंने उसको क्या कहा कि तुम्हारा क्लाइंट, अब तुम्हारी फिक्र नहीं रही, किसकी फिक्र है, तुम्हारी फिक्र बात कर लो, तो अगला बंदा क्या है ना, पढ़ते बाद ही रिलैक्स है, रिलैक्स मूड देना है मेरे को, है ना, सिटी जी कॉल टू एक्शन, जब बंदा पूछ रहा है यार मैंने अब उसको पढ़ लिया, मेरा दिल कर रहा है बात करो, उसी टाइम उसके सामने कॉल टू एक्शन, आगे भी व्हाट्सएप पे आ जाए, ठीक है, डील ऑफ द डे बुक, अगर तुम आज इस ऑफर को सब्सक्राइब करते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, ये किताब जिसकी कीमत इतनी है वो तुम्हें फ्री में मिल जाएगी,
आज तुम इस चीज को अगर खरीद लेते हो तो किताब की कीमत 100 से 70% तक आपको मिल रही होगी, ठीक है। तो डॉक्टर इशारा साहब की किताबें 2500 में दे रहे हो, 6 किताबें 2500 में ले ले रही, 3000 में ले ले रही, ये वो, तो यार वो चीजें आप समझे कि किस तरह मूव हो रही है, ठीक है। मार्केट का रेशियो क्या है, अब उस बंदे ने आपको डेटा भी ले लिया, आपने सब कुछ ले लिया और आपसे कमा भी लिया, ठीक है। अच्छा 2500 की किताबें कितना कमा लेता होगा, 6 किताबें दे रहा है, 1000 कमा लेता, तो ठीक है, एक अच्छी अमाउंट है, ठीक है। हालांकि वैसे मुझे 6 किताबों में तक हम लोग वो यहाँ से आपको अच्छे पेपर वाली जाते देंगे, वो तो पेपर ही बना के यार मैंने ये खरीदना है, तो मैं बैठा बैठा ना वो थोड़ा सा हो रहा था, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, सारे बैलेंस पर आपड़ा है ना, ठीक है। इस टाइम एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाता है और मुझे वो एनर्जी वाले ब्लास्ट समझी मान लिया, बचाते ही नहीं कुछ एनर्जी, ये वो मैंने भी खड़ा हो जाता हूँ, फिर मैं कहता हूँ यार वो इस तरह ही हो, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये टेस्टिमोनियल्स एंटर रिव्यू फॉर अ क्लाइंट्स, वर्ड ऑफ द माउथ इज द बेस्ट स्ट्रेटजीज, ठीक है जी। अच्छा पॉसिबल टू ऑफर विद योर क्लाइंट, अपनी ऑफर को अगर आप क्लाइंट से 2 रुपए कम भी कमा देते हैं कोई मसला नहीं, ठीक है। अपना क्लाइंट बनाना बात में रहिए, रिव्यूज देखिए पॉसिबल और ऑफर विद योर क्लाइंट्स हो गया जी। वेरियस पोस्ट इन लिंक्डइन के ऊपर डिफरेंट किस्म पोस्ट करें, कंटेंट इज अ किंग ऑफ डीएमएम इमेज टैक्स वीडियो एटसेट्रा। अच्छा मैंने एक स्टेटमेंट डाली, कंटेंट इज अ किंग ऑफ डीएमएम, ठीक है। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में कंटेंट क्या है, किंग है। अब कंटेंट का मतलब क्या है, इमेज टैक्स वीडियो, मैं हर किसी को ये समझाता हूँ कंटेंट लिखने का ना वो जो एक स्ट्रेटजी है, वो जो चीज है वो सब टूल हर बंदा चला रहा है, हम ये लिंकिंग की ऐड का टूल चलाना यूट्यूब की वीडियो पर भी पड़ा हुआ है, बात समझ आ रही है। लेकिन अंदर जो कंटेंट है जो इसमें जान डाल रही है, ठीक है, वो जो असल में स्ट्रेटजी बिल्डिंग है, जो बिजनेस डेवलपमेंट है, वो आपको कभी भी जॉब होल्डर नहीं कहा, बात ये हुई ना। अच्छा गूगल ट्रेंड फाइंड द ट्रेंड्स, गूगल से ट्रेंड फाइंडिंग करना है। देखिए आप कहते हैं यार क्या यार, मैं पहले ट्रेंड फाइंड करूं, फिर मैं कीवर्ड फाइंड करूं, फिर मैं ये करूं, फिर मैं वो करूं। देखिए जब आपने खुद को एक ब्रांड बनाना होता है ना, और जब अर्निंग चाहते हैं, ठीक है, जब एक अच्छा एक मोटो चाह रहे होते हैं चीजों के लिए आते, तो जिंदगी में वक्त तो देना पड़ता है, अभी तो वक्त दे रहे हैं ना। अगर इस वक्त के बाद भी आपने आगे से मार्केट से गेन नहीं किया तो ये भी फजूल होगा। और मैं नहीं ये बात चाहता कि ना डीएमओ 50 वालों को मैंने यही कहा, आप लोगों को भी यही कह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मुझसे काम करने के बाद कोई बंदा किसी स्टेज पे खड़ा ना हो, खासतौर पर इस फील्ड में, चाहे वो सोशल मीडिया में आया है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग में आया है, चाहे वो कॉन्टेंट्स वगैरह के अंदर आया है, जिसमें भी वो आया है। बात क्लियर है ना, थोड़ी सी हिम्मत कर ले, थोड़ी सी, ज्यादा की नहीं बात की, थोड़ी सी बस हिम्मत कर ले, क्रिएट कर लिए थे। उसके बाद अच्छा ये मैं एक CTR की मैंने बात की थी, आपको फार्मूला बताऊंगा, ठीक है जी। CTR क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट डिवाइड बाय अच्छा क्लिक थ्रू रेट CTR, CTR इज इक्वल टू, एक मिनट इसका मैं सेट कर लूंगा। अच्छा CTR क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट,
ठीक है जी, मतलब जो मैं कह रहा था सीपीसी वगैरह, ठीक है जी, वो आया था ना साइड में सीपीसी आप मैंने बताया था, ठीक है, उसमें क्या सीन होता है कि क्लिक जितने बंदे ने क्लिक किए वो जितने लोगों ने देखा वो डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100 आपके पास वो क्या निकल आएगा सीटीआर की प्रॉपर वो उसकी जो वैल्यू होगी वो निकल आएगी। डन है यार, गूगल ट्रेंड यूज करना आप लोगों ने, कंपटीटर चेक करने हैं अपना, कंपटीटर चेक ओपन लेटेस्ट पोस्ट ओपन एंड जज इट। अच्छा ये मैंने एक लिखा है गूगल ट्रेंड के बाद आपने अपने कंपटीटर को सर्च करना है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग है तो देखें डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। अच्छा कंपटीटर आपका कौन है, आप क्या सोच रहे हैं मैं आल्फा में तो आल्फा में जो कंपटीटर चेक करूं, ये आपका कंपटीटर नहीं है, आपका कंपटीटर गूगल के ऊपर जो रैंक कर रहा है वो बनता है, मेरी बात समझ आ रही है, आपका कंपटीटर मैं तो नेक्स्ट लेवल कंपटीटर नहीं पीएम कर, ठीक है, तो वो इधर की हद तक है, इसका फिजिकल लोकेशन क्या आता है, लेकिन आपके फील्ड का होगा ना कंपटीटर होगा, बिल्कुल, और आप अपनी फील्ड पे तो कीवर्ड सर्च करेंगे, आप कह रहे हैं क्या कह रहे हैं आप कि जी डिजिटल मार्केटिंग आपकी फील्ड है, गूगल पे जाके आप सर्च कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, सर्च किया यूडीमी योर कंपटीटर, कोर्स ऑफर कर रहा भी ऑफर कर रहे डन है। देखो यूडीमी क्या काम कर रहा है, यूडीमी ने जी एलएमएस बनाया, मैं वेबसाइट बना के बैठ गई नहीं, मैं उससे अच्छा एलएमएस बनाऊंगा, उससे अच्छा यूआई बनाऊंगा, ठीक है, मैं क्रोम की एक्सटेंशन बनाऊंगा यूडीमी की, अपनी बनाऊंगा कि मैं क्रोम की एक्सटेंशन, बंदा क्यों जाके वेबसाइट पर जाए, वो अपनी क्रोम एक्सटेंशन ही करे क्लिक करे उसके पास आने पैच हो जाए, और मे भी उन्होंने बनाई भी हो, फिर मैं देखूंगा। देखिए आपके कंपटीटर जब तक आप दो कदम आगे नहीं सोच रहे होंगे आप नहीं कुछ कर सकते, बात क्लियर है जी, और इमेजिनेशन, और फिर आपने अपनी क्रिएटिविटी ऑफ थिंकिंग के ऊपर, देखिए जो कारोबार के अंदर आप सोच सकते हैं जिस लेवल तक आप सोच सकते हैं, ठीक है, उस लेवल तक आप अपने कारोबार को जितना समझते हैं, और फिर ये आपको टूल्स दे दिए गए, अगर आपको दो आते हैं मैं सारे टूल्स क्यों बताता हूँ, आप दो हाथों से आप काम कर रहे हैं और कहाँ 50 हाथों से आप काम कर रहे हैं, 50 आपके सामने टूल्स खड़े हो गए यार मैं इससे ये कर सकता हूँ, इससे ये कर सकता हूँ, किसी भी चीज का इलम होना शऊर होना नहीं अल्लाह का बड़ा गर्व होता है, मेरे पास यार मेरे पास वर्ड ट्यून है फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई बूट है, ठीक है, मेरे पास ग्रामरली है, अगर मैं एक पैरा लिखूं और आपको कहूँ इसमें से जरा वो क्या नाम है ग्रामर को ठीक करना करके दिखाएं, ठीक है, आपने पहले यहीं अटक जाना है, ए किसके साथ आ रहा है, रैम किसके साथ आ रहा है, डी किसके साथ आ रहा है, वहां से निकलेंगे तो आगे पहुंच जाएंगे, तो जब वो टूल्स मैंने आपको बताया सिर्फ इसीलिए बताया, हालांकि ये सारे कंटेंट राइटिंग में आती है जी, बात समझ आई। अच्छा जी सॉल्यूशन यूज इन कंटेंट, अच्छा लेंस 14 मेगापिक्सल जूम कैप्चर फिल्टर एक्स्ट्रा सेल्फी फीचर्स, अच्छा ये सॉल्यूशन कैप्चर वाइडिंग सॉल्यूशंस, अच्छा वीडियो कस्टमर, अच्छा ये मैंने ना एक मेरे हम केस स्टडीज लिखी होगी सॉल्यूशन यूज इन कंटेंट। अच्छा मैं ये एग्जांपल याद आ गया, आप जब मोबाइल फोन सेल करते हैं लेने जाते हैं एड देख रही अंदर मेडिटेशन में ना, आप एक फॉर एग्जांपल कार्ड रोड पे गए, ठीक है, और वहां पर आपने बोर्ड्स लगे देखे हुए कार्ड बोर्ड्स, वहां पर क्या आ रहा होता है मोबाइल ले लो क्या आ रहा होता है, पिक्चर पे 14 मेगापिक्सल कैमरा, एक दो फीचर्स साथ आ रहे होते हैं, ठीक है, अब जब एड देखते हैं एड में क्या होता है फैमिली कपल्स बच्चे सेल्फी ले रहे हैं, तो कहीं बात नहीं कि मोबाइल ले लो, ये मेरा मोबाइल फोन ले लो, ये चीज ले लो, ठीक है मैं सेल कर रहा हूँ, कोलगेट वाले क्या कह रहे हैं कोलगेट ले लो, ऐसा नहीं है, कॉपी राइटिंग इट्स अ कॉपी राइटिंग स्क्रिप्ट राइटिंग, क्या कह रहे हैं ये दांतों को मजबूत करता है, ये नेचुरल है, ये ऑर्गेनिक है, इसमें लॉन्ग है, ठीक है, ऐसे ही हो रहा था नमक गुड लाइटर, ठीक है, वो लाइफ बॉय की आती है वो जो फीमेल होती है तो वो कहती है मेरे बाल लंबे हो गए, ठीक है, अब जो घर में फीमेल देख रही है मेरे भी ऐसे हो जाएंगे, मामा जाओ मेरे लाइफ बॉय लिखे वो, ठीक है बात समझ आई, हाँ जी हाँ। अच्छा फिर वो जो ब्यूटी क्रीम्स होती है, अब देखिए सिंपल सी बात है कैसे आ रही होती है उनकी एड, ठीक है, वो पहले वो लड़की जो होती है उसको थोड़ा सा वो डार्क करते हैं फिल्टर से, ठीक है, डार्क करते साथ ही तो देन वो कहते हैं कि जी वो मंडे ट्यूसडे वो एक रेड एम्स ला रहे होते हैं, ठीक है, उसके बाद देन वो एंड वो क्या बोल देते हैं
ठीक है अच्छा कहीं पर उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि इतने की ले लो ये ले लो ठीक है खरीद लो नाम से ठीक है कोई इस तरह का तरला नहीं डाल रहे ठीक है अगर आप अपनी चीज को मेहनत तरले से बेचेंगे कोई नहीं ले लो साइकोलॉजी के लिए चीज वर्थेबल चीज हमेशा सेल होगी ठीक है ठीक है जी उसके बाद भी हम लोग आगे देखते 14 मेगापिक्सल जूम कैप्चर फिल्टर एक्स्ट्रा सेल्फी फीचर्स इस तरह की बात कर रहे होते हैं ठीक है जी उसके बाद कैप्चर योर लाइव वेडिंग एटसेट्रा गिवन सॉल्यूशन टू कस्टमर अच्छा आप अपने कस्टमर को क्या दे रहे होंगे उसको ये नहीं टेंशन नहीं दे रहे होंगे उसको सॉल्यूशन दे रहे होंगे ठीक है एक किताब है ठीक है उसके ऊपर लिखा हुआ है सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है जिंदगी बदल देने वाली किताब ठीक है अब उसको पढ़ के बंदा जिंदगी तो कम बदलती है बंदा टेंशन में ज्यादा आता है ठीक है रात को बैठा किताब पढ़ रहा है पढ़ी जा रहा है ठीक है उठता है उस किताब की इमेजिनेशन या साइकोलॉजी से क्या करेगा वो अपने माइंड के अंदर ना एक मैप बना लेगा मैं दुनिया में ये करने जा रहा हूँ करने जा रहा हूँ उसके लिए कुछ बोलेगी तो लड़ पड़ेगा उसके साथ क्यों किताब पढ़ी हुई है किताब का जुनून सवार है ठीक है बात समझ आई है तो बात वो करेगा कि नहीं क्योंकि बेसिकली किताब ना इंसान पढ़ के उसकी थोड़ी सी वीडियो सुन के मोटिवेशन सुन के बंदे की ना बड़ी चीजें चेंज हो रही होती है मेंटली तौर पे ठीक है मैंने दुनिया बदल देनी है मैंने ये कर देना ऐसे मूवी देख के उसके बाद अब वही बात है ना ये अक्सर वीडियो देख के आए हम आपको सिखाते हैं दो दिन में $2,000 कमाना $5,000 कमाना $50,000 कमाना ठीक है ये बात कर रहे होते अक्सर खुद जॉब कर रहे बात समझ आई है हाँ मैं आपको सिखाता हूँ जी कि YouTube से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं ठीक है शॉर्टकट होता लाइफ में ठीक है तो सबसे बड़े मोटिवेटर लीडर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है पॉलिटिकल लिहाज से देख रहे हैं ठीक है 40 साल की उम्र में जाके चीजों को उन्होंने सीखा और लर्निंग और सारी चीजें हुई है उससे आगे भी कर रही हुई है अल्लाह कहता मैं कुन कहूँ तो सब कुछ हो जाता है 6 दिन 6 रातें और ये लोग क्या कह रहे हैं मैं तुम्हें वन नाइट में सिखाता हूँ जिंदगी में शॉर्टकट कुछ नहीं होता ठीक है देखिए चीजों को इंसान अगर समझे तो समझ आए कि ये आपको तो सारे के सारे किस चक्कर में ला के आपको फिल्म सुना के और आपको तो पागल बनाए जा रहे बात समझ आ रही है चीज को अगर आपने भी खुद को मार्केट में सेल करना है तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही सेल करना पड़ेगा मार्केट से हट के चलेंगे तो कुछ सेल नहीं होगा बात क्लियर है दावे करने में हाँ मैं आपको जो चीजें आप आपके लिए बेहतर है मैंने वो चीजें आपके सामने रखनी है ठीक है कोई रातों रात $10,000 नहीं कमा सकता $20,000 नहीं कमा सकता उस बंदे का वो जरूर कमाएगा लेकिन उस बंदे का पीछे 5 साल का सफर होगा ऊपर इधर क्या बन रहा है वैसे कंटेंट जनरेशन यार वो डेली निकल रहा बंदा डेली दिख रहा है 5,000 to 2,000 to 5,000 to 10,000 भाई मार्केट ट्रेंडिंग है कंपटीशन में आना पड़ता है भाई क्या करें ट्रेंड ऐसा है कि लोग यही चीज आपने अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी आकर साहब तो अल्लाह को प्यारे होंगे लोगों ने पैसे कमा लिए ठीक है अब मैं यही चीजें आपको गाइड इसीलिए कर रहा हूँ चीजें और रिव्यूज या सेटअप्स वगैरह आपने कैसे जनरेट करने ठीक है मैंने ऊपर क्या बोला कि आपकी जुबान से निकली हुई बात ठीक है इसमें पैसा है सब कुछ है लेकिन 1 महीने 2 महीने के में नहीं 6 महीने के कोर्स में नहीं क्या 6 महीने के कोर्स में तब है जब आज आप उठ के अपना माइक उठाएंगे और अपने होम किचन से शुरू होंगे तब है आपको स्पीकर एज अ स्पीकर ठीक है क्यों बुलाए सिंपल सी बात है जब आप बोल ही नहीं रहे
मुझे फॉर एग्जाम्पल मैं इनसे पेमेंट्स लू क्यों लू ऊपर ऑफर दो मुझे क्यों हो फिर सिर्फ क्या और अल्लाह तो कुरान में फरमाते कि सबसे बेहतरीन जो मेरा नाम है वो रहमान है सबसे बेहतरीन इलम जो कुरान है और सबसे बेहतरीन हुनर बयान है ऐसे ही ना रहमान अल्लाह और कुरान अल्लाह का तो ये सारा क्या तो मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे जिस मर्जी मार्केट में आप खड़े आप अपनी बात को कन्वे नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते ठीक है अच्छा जी तो चीज को सेल करने का कुछ आइडिया हुआ ठीक है कभी ये ले लो 500 की है 200 की है सर्विस दिए है नहीं सोल्यूशन देना अगले को ऐसी लाइन बनानी है आधे घंटे में भी एक लाइन बनती है ना और तीन कस्टमर आते हैं तो आप एक भी आते हैं तो आप सक्सेसफुल आपको आगे को पूछ ही लेता ना यार क्या बेच रहे हो एक एक सबसे बड़ी बात बताऊं कि अगर आप मार्केट में जाए ना तो सबसे बड़ी बात एक जो होता है शॉप वाला उसके लिए ये होती है कि उसके सीढ़ियों पर कस्टमर आ गए बात समझ आ गई सबसे बड़ी बात उसके लिए अच्छा जी सॉल्यूशन यूज इन अ कंटेंट लेंथ हो गया जी अच्छा गूगल सर्च चेक करें आप गूगल सर्च चेक की थी हमने जी अच्छा गूगल पे जाके यार सर्च करते हैं तो वो 10 किस्म की सजेशन दे रहा होता है ना जी गूगल पे मैं गूगल पे जाता हूँ जी यहां पर देखें मैं सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग आगे इट्स अ गूगल सजेशन ये कीवर्ड रैंक कर रहे हैं पकड़ लो बात समझ आ गई है कोर्सेज सर रैंकिंग कीवर्ड पकड़ लो इनके शुरू हो जाओ इनको अपने आप को इनका प्राइमरी सेकेंडरी टच करके देख दो बात क्लियर है जी ये एक कीवर्ड एवरीवेयर है ये भी आप एक्सटेंशन करनी हो ले बेसिकली हम लोग ये ब्लॉग्स के अंदर करवा रहे होते हैं लेकिन अगर आपने करनी है तो कर लीजिए कीवर्ड एवरीवेयर ये मेरे साथ चार्ट नहीं बन रही है मेरे पास ये देखें ये सारे कीवर्ड एवरीवेयर से बन रहे हैं ये सारी चीजें जो बन रही हैं गूगल सर्च चेक करें आप लिंक्डइन न्यूज फॉर बार सर्च उसके बाद ही कोरा कोरा पे जाएं और रीड द क्वेश्चन बिल्ड योर टेक्स्ट मैंने अभी इधर सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 2022 अब ये देखें आपको ये क्वेश्चन नजर आ रहे हैं बात क्लियर है यहां से आंसर उठाए कंटेंट उठाए यहां से ये कंटेंट रैंक है तो आया ना उठाए आप बात करें आप भी बात करें इस पे आज पाकिस्तान के अंदर अभी कुछ ना कुछ हो जाए हर चैनल उस पे बात करता है क्यों एक आधा चैनल छोड़ दे नहीं छोड़ेगा खबर खत्म बंदा खत्म पीछे अगली बात नहीं तो बात बनाते टेक्स्ट टूल्स ही ये वर्ड ट्यून्स वगैरह मैंने आपको बता दिए थे लिस्ट ठीक है प्लेजरिज्म चेक जो है आपका डाटा कॉपी है या नहीं है प्लेजरिज्म चेक का टूल होता है उससे आप कर सकते हैं इसको और डिफरेंट टूल देते हैं स्मॉल एसईओ भी देता है प्लेजरिज्म ये है कि मिलता जुलता कंटेंट पड़ा हुआ है नहीं इमेज टूल है जी आप canva.com में आपके पास फ्लैट आइकन है और VN वीडियो एडिटर है इससे आप अपनी वीडियो वगैरह एडिट किए मैं पहले ही बता चुका हूँ ठीक है जी अच्छा आगे ट्विटर शुरू हो रहा है जी आगे नेक्स्ट डे ट्विटर हमारा स्टार्ट हो रहा है ठीक है जी ट्विटर ही है ना कॉन्टेक्ट है हाँ ट्विटर है आगे ट्विटर डन है जी अच्छा जी ये यहाँ तक तो आपका लिंक्डइन जो है वो कंप्लीट हो चुका है ठीक है और इसके साथ साथ जो इसके अंदर चीजें हैं वो भी कंप्लीट होगी ठीक है अब व्हाट्सएप को बंदा दे दो मैं उसके ऊपर बात करूँ
अगर उसको नेक्स्ट वीक पे रखना तो कब बता दें आपकी क्लास में ना कंटेंट आपके पास इंशाल्लाह एक्स्ट्रा ही पढ़ाया जाएगा ठीक है मेरी तरफ से एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा ये चीजें सारी सारी कंटेंट राइटिंग में आ रही होती हैं ब्लॉग्स में आ रही होती हैं लेकिन हम लोगों ने बेसिकली दूसरी क्लास में ऑर्गेनाइज देखा लास्ट ईयर में दिस ईयर वो ये रहा है कि प्रोफाइल सेटिंग एडर प्रोफाइल सेटिंग एडर बस मतलब जैसे मैंने डैशबोर्ड खोला बताऊंगा और प्रोफाइल में कैसे कैसे पिक्चर लगानी क्या कैसे 40 मिनट की रिकॉर्डिंग होगी ठीक है हमारी रिकॉर्डिंग भी अभी देख ले 7 हो रही है 1 घंटा होने वाला है ठीक है और अभी आधा घंटा और है हमारे पास तो अच्छा मुझे बताएं कि व्हाट्सएप करने कर लेते हैं पर काम पे लाइव यूनिवर्स अच्छा नहीं हम बिजनेस व्हाट्सएप पे सारे अपना बिजनेस व्हाट्सएप जरा इंस्टॉल कर लेते हैं हो गया अच्छा बिजनेस व्हाट्सएप में सबसे पहले आप 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और सेटिंग में क्लिक करेंगे अच्छा आप क्लिक करते हैं साथ 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 करते हैं इसके ऊपर आप क्या लगा रहे हो प्रोफाइल पिक्चर है आपकी अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये आपसे अगर इस वाले ऊपर वाले पे इस पे क्लिक करें जरा और यहाँ से जी ठीक है अच्छा जब आप जाएंगे ना डेस्कटॉप वर्जन पे तो ये आपको बैकग्राउंड पिक्चर भी बना के देगा इसी में इस पे क्लिक करें तो बैकग्राउंड बनेगा अच्छा ठीक है और इस पे जी पानी हो सकता है ठीक है लगा लो अच्छा उसके बाद आ रहा है जी ये प्रॉपर्ली नेम आ रहा है उसके बाद शॉपिंग डिटेल आ रहा है अपना खोल के दिखाता हूं उसके बाद जो चीजें नहीं होंगी वो मैं इधर से करवा दूं ये मेरा व्हाट्सएप बिजनेस है जी सेटिंग में मैं जाता हूं इधर क्लिक करता हूं अब ये देखें इस पे मैं क्लिक किया तो क्या हुआ मेरे पास बैकग्राउंड लग गई थी मेरी टेक अ फोटो अपलोड एंड दैट्स इट और यहाँ पर मैंने क्या किया इसको मैंने क्लिक किया तो वो इसको मेरे सामने ले आया ठीक है मेरी वो प्रोफाइल है ठीक है देन यहाँ पर नेम आएगा उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आएगी ठीक है डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है आप जो लोग मतलब क्या कॉन्टेंट राइटिंग वगैरह कर रहे होंगे तो उस लिहाज से आप लिखेंगे ठीक है जी उसके बाद कैटेगरीज वगैरह होंगी उसके बाद अपने इधर से मैप सेलेक्ट करेंगे अब ये मैंने किया हुआ है कि सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक पे किया हुआ है आप 24 आवर्स के लिए भी आपको ये ना और सिलेक्ट हो सकते हैं ऑलवेज ओपन भी हो सकते हैं ठीक है जी डन है आज आपको व्हाट्सएप चलाना सिखाते हैं इधर आपकी ईमेल है इधर आपकी वेबसाइट ऐड होंगी मोर देन वन वेबसाइट भी आप ऐड कर सकते हैं ये आगे कैटलॉग ऐड होगी कैटलॉग क्या होती है यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एड अ न्यू आइटम मैंने किया यहाँ मैंने क्लिक किया क्लिक करने के बाद फॉर 1, 2, 3, 4 मल्टीपल सेलेक्ट कर सकता हूँ एक मिनट ज़्यादा शिफ्ट दबाऊंगा और मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ज़रा सारी प्रोडक्ट्स मैंने सारी चीज़ें सिलेक्ट कर ली हाँ तकरीबन ऐसे हो जाती है ठीक है मोर देन 50 है मेरे ख्याल में 50 होती है यार मोर देन 50 होती है ठीक है जी अच्छा उसके बाद ये हो गया जी उसके बाद नेम ऑफ प्रोडक्ट्स मैं इसको लिखता हूँ जी क्लास कौन सी आपकी पहला डी एम एम एक मिनट रुक जरा नेक्स्ट डी एम एम ठीक है जी प्राइस इसके डाल देता हूँ मैं फॉर एग्जांपल ठीक है डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ वी आर ऑफर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कोर्सेस ठीक है इंडस्ट्रियल आ गया
रेवोल्यूशन आ गया, सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, ओपन हो गया, डन किया मैंने। अच्छा ये ना आपने ट्रांसलेट करके देख लेना, मैं तो वैसे कर रहा होता हूँ ना, ये आपने ट्रांसलेटर पे जाके सेंस भी क्रिएट हो रही है कि नहीं ये देख लेना है, ठीक है। अच्छा लिंक है जी https://www.tabsmarketing.com/. मैंने उसके बाद आइटम कोड है जी इनका, आइटम कोड फॉर एग्जांपल 1 कर दिया मैंने इसको, जैसे होता है नॉर्मल द्रास वगैरह पे आइटम कोड्स चल रहे होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये चीज है, एक प्रोडक्ट इसका आइटम कोड ही है, तो दैट्स इट, ऐड किया मैंने इसको। चलिए यहाँ पर क्या हो गया, प्रोडक्ट हमारी ऐड हो गई, डन है, लगी प्रोडक्ट, ठीक है जी। अच्छा अब ये ऐड हो गई, ये इसका लिंक आ गया, ये सारी चीजें आ गई, ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा इसको मैं एडिट करता हूँ, ये सारी चीजें अगर मुझे एडिट करनी है तो देन ये हो जाएगा। अब मैं जाता हूँ, मैं इधर देखता हूँ, ये आ रही है ऐसे ही है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास अभी डिसेबल आ रहा है बटन, अभी डिसेबल आ रहा है, इसको मैं शेयर भी यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये आइटम ऐड की थी, अब मैं ऐड न्यू कलेक्शन पे जाता हूँ, एक कलेक्शन में नाम रखता हूँ फॉर एग्जांपल मैक्स स्किल कोर्सेस, ठीक है, ये वाले हैं, कोई और भी हो तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम, डन करते हैं इसको। Done है? तो ये क्या आया, नेक्स्ट स्किल DMM ऐसे लिखा था मैंने, yes, sir। अच्छा आप देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्या हो जाता है उसी टाइम में, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चले मैं ये लिंक आपको शेयर कर देता हूँ जी, हाँ जी पैनाडो भी चक्की कर दी। The collection has been reviewed. Once is approved, our customer will be see in your catalog. जैसे ये होता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखना, मैंने शेयर की, शेयर प्रोडक्ट कॉपी लिंक कर ली, ये इस तरह कर लिया। मैं फॉर एग्जांपल इसको ओपन करता हूँ जी, नेक्स्ट DMM कौन सा आपका 16 आ गया जी, ठीक है, ये डन किया जी हमने, तो इसको जरा व्यू करना है, ठीक है, डन है। अच्छा जी ब्रॉडकास्ट, हाँ जी क्या बोल रहे, वो बनाना पड़ेगा फिर ये, नहीं 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 ये अभी अलग है, ये अभी अलग है सर, वो जिस तरह डीपी पर सर पर ऐड डाल देते हैं, हाँ उसमें भी आप शेयर कर सकते हो, इसकी भी किस तरह वो ऐड डाल, हाँ वो सारी करता हूँ, करता हूँ, पहले ये देखो जितना करवा रहा हूँ वो चीज देख लिया, डन है याद है, वो असल में ना रीडायरेक्ट ना हो जाए यार, हम देख ज्यादा हो गया, नहीं नहीं ये तो मैंने अलग भेजा आपको, मैंने अलग भेजा। अच्छा ये आपको ऐड बन बेसिकली ऐड करनी आ गई आइटम कैटलॉग्स के अंदर, बेसिकली ये मेरा मकसद है आपको ये चीज आ जाए बस, ठीक है। उसके बाद है जी नोटिफिकेशन हो गया है, अच्छा जी, अच्छा प्राइवेसी नॉर्मल आपको पता है जिसको वो नॉर्मल व्हाट्सएप वाली है, ठीक है जी, सिक्योरिटी भी जो नॉर्मल आप व्हाट्सएप की होती है वही है, थीम्स डार्क लाइट वो एक मिनट में करके देता हूँ आपको, बताता हूँ, ये चैट वॉलपेपर्स वगैरह वो सारी भी वैसे ही है, ठीक है जी। रिक्वेस्ट इनको है की बोर्ड शॉर्टकट है ये आपके सामने है, की बोर्ड के अकॉर्डिंग वो मोबाइल से बताऊँगा, मोबाइल से ऑप्शन आने हैं इसमें मसला करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद ठीक है जी,
ग्रुप से ऐड करने हो वो बना सकते हैं, प्रोफाइल है ठीक है, कैटलॉग अगर देखनी हो वो है, लेबलिंग करनी है। अच्छा लेबल्स हम देख लेते हैं, अब ये देखें लेबल्स क्या होते हैं। अच्छा इसमें लेबल बनाने वाला ऑप्शन जो है हमें मोबाइल से मिलेगा, इसमें नहीं दे रहा हूँ ठीक है। अब आते हैं मोबाइल के ऊपर, अब हम आएंगे जी किसके ऊपर, मोबाइल के ऊपर, ये दिखा रहा हूँ। अब हमने जो ऑप्शन देखे डेस्कटॉप तक थे वो इतने ही जो हम यूज कर रहे हैं ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें नेम डाल दिया, ये सारी मैं कैटलॉग्स आपको क्लियर करवा दूंगी, नेम वगैरह कैसे आपने ऐड करना है, आपने कैटलॉग के अंदर एंटर कैसे होना है, ये सारी चीजें। ये अब यहाँ पर आ रहे बिजनेस टूल्स, क्या आ रहा है बिजनेस टूल। अच्छा बिजनेस टूल में पहले आ रही बिजनेस प्रोफाइल, वो सारी कंप्लीट कर दी। सेकंड नंबर पे आ रहा कैटलॉग, वो भी बनाना आपको सिखा दी ठीक है। एडवर्टाइजिंग फेसबुक आ रहा है ये देखिए। अच्छा इससे पहले आप जाएंगे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के पेज को लिंक करेंगे प्लस वाले बटन से, डन है। प्लस प्लस दोनों क्या हो गए, लिंक हो गए, लिंक हो गया लिंक। अच्छा ये अब मैं एडवर्टाइजमेंट आपको सिखा रहा हूँ व्हाट्सएप पे कैसे कर लेंगे ठीक है, गौर से सुननी आप। दोनों लिंक हो गए पेज, अब मैं एडवर्टाइजमेंट फेसबुक पे चला गया ठीक है। अच्छा इन्होंने पहले ही मेरे ख्याल में ऐड की हुई है सर, लिंक कहाँ से किया हमने, क्या नीचे नीचे चलो, जिन्होंने भी लिंक नहीं किया मुझे और जितने भी पेजेस होंगे सारे के सारे सेलेक्ट करेगा और कहेगा यूज व्हाट्सएप प्रोफाइल एट अ डिफरेंट प्रोफाइल पे ही बना मत इसके ऐड में आप वो आप अपने उधर से भी कनेक्ट कर सकते हैं एडिट बटन पर जाकर इधर से ठीक है। आपको व्हाट्सएप जो है देगी क्रिएट में बैठ जाओ वो इधर क्रिएट पेज क्रिएट पेज को क्लिक कर हां तो क्रिएट पे क्लिक करें ना वो क्रिएट पे और आप ले जाएगा बैक टू व्हाट्सएप ऐड पेज ये हां तो ये ऑलरेडी बन गया है कनेक्ट नहीं ये इजी हो आप एज अ क्रिएटर एडमिन हो गए ठीक है। सारा मारा तुम इधर भी आ दिखा रहे ये देखो मेरे आपने पता क्या करना है, आपने करना है व्हाट्सएप एडिट बटन पे जाना है फेसबुक वाले पे जिस पेज पे आना है उसके साथ वहां पर ये व्हाट्सएप नंबर देना है और ओटीपी कंफर्म करवाना है। बात समझ आई है, पेज नंबर लगाओ हाँ वो उसके साथ ओटीपी कंफर्म करवा के फिर लेके चलना है। बात समझ आई है ना, हां ये नंबर लगाओ उसके साथ इस नंबर से ही लेन लोगे। अच्छा प्रोफाइल यूज कर सकते हो ना, ये ट्रेडएक्स इंटरनेशनल में जी इसके साथ तो लिंक है ऑलरेडी
अच्छा उसके बाद हम लोग आ रहे हैं जी आगे देखें आगे देखते हैं कैटलॉग है पेज है वीडियो है जो कैटलॉग बनी है उनको सेलेक्ट करनी है स्टेटस करना है या फोटो अभी इन्होंने कोई कैटलॉग नहीं चाहिए तो हम यहाँ फोटो भी सेलेक्ट कर लेते हैं गैलरी में जाते हैं तो यहाँ पर हमें ये सेलेक्ट करनी ठीक है जी सेलेक्ट करनी आप चलिए टैग के ऊपर आ देखिए कितने पैसे लगाने कितनी एज हो पेपर पैसे भी ऐड करें यहाँ पर टोटल करें इधर क्लियर होती है ठीक है आपने तो नीचे आपने करना है इससे करना है तो आप उसको कंटिन्यू ऐड कर देंगे ठीक है और वो पेमेंट मेथड आपसे लेगा आपको आपका लिंक कर देगा फेसबुक पेज से फाइल को ये साथ करना है ना पेज करना आप आपकी आपके लीडर है उसके सर ऑडियो कर जाएगी जैसे फेसबुक का वैसे ही बिल्कुल ये देखें ये पेज है ट्रेडएक्स वाला है ये ओरिजिनल पेज है जो हां जी वही है नहीं है ना वो आप लोग का फिर नंबर इसके ऊपर एक्टिव नहीं होगा ये देखिए ये नंबर तो वही है एक मिनट रुको अच्छा ये पेमेंट मेथड पर रेंट पर समझ ले फिर देख ले मतलब आगे चलते हैं ठीक है ये पेमेंट मेथड आपका आ गया जी ठीक है और उसको पे एज अ पे करते हैं क्या अच्छा थोड़ा सा पीछे जाते हैं ये समझ आ रहा है कैसे पे करना है अच्छा अब जरा जाते हैं ये सारा आ रहा होगा और ये आपका ट्रेडएक्स इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन यही है जी तो ये तो अभी जो इधर ये सारी चीजें नहीं है पेज जो है ये अलग है पहले पेज का लोगो लगा ये पेज है ना सर जो उधर जो बनाया है बिल्कुल नया नई चीज है ये बन गया ऑटोमेटिकली इससे कुछ ना लाइक फॉलो ऐसे ही मांग रहा है खैर इसको देख लेते हैं इसको देख लेते हैं लिंक कर लेते हैं अच्छा ये चीज क्लियर होगी आपको अच्छा शॉर्ट लिंक है तो शॉर्ट लिंक क्या होता है कि क्योंकि इसमें काफी कंटेंट है तो मैं जरा जल्दी से कवर हो जाए उसके बाद देखते हैं ठीक है शॉर्ट लिंक क्या है शॉर्ट लिंक का मतलब ये है कि आपने किसी को लिंक शेयर करना है अपने पेज का ठीक है मैं व्हाट्सएप पे जाता हूँ डीएम 60 पे जाता हूँ लिंक शेयर कर देता हूँ तो ये बेसिकली अपने उन्होंने जो है इनका शॉर्ट लिंक वो शेयर हो गया डन याद ये आपके ग्रुप में आ गया देखिए या तो वॉर्म ही बन गया व्हाट्सएप के लिए डने याद चौदह दिनों तक अगर बंदे की आपके साथ इंट्रक्शन है तो ये आपको 14 दिन तक रिप्लाई नहीं करेगा एक मरत रिप्लाई कर देगा 14 दिन के बाद 15वें दिन अगर कोई बंदा आता है तो उसको दोबारा फिर ग्रेडिंग मैसेज आएगा इतना गैप होता है ठीक है यहाँ पर आप लिखिए प्रॉपरली वो आपका ग्रेटिंग मैसेज होगा हाय हेलो वेलकम जो भी अपना लिंक डालना चाहे ग्रेटिंग मैसेज करता रहे वो फिर इतना हो जाएगा 14 डेज का कह रहा है इनका कह रहा है 14 डेज का ठीक है एक बंदे से एक नंबर पर 14 डेज का होता है कह रहा है तुम ठीक है अवे मैसेज क्या है थोड़ा सा दूर है किसी चीज से जगह से ठीक है तो यानी कि आप मैसेज नहीं कर सकते तो उस दौरान वो अवे मैसेज चला रहा है ठीक है अवे मैसेज आप व्हाट्सएप नहीं चला रहे अगर शेड्यूलिंग में आप क्या देते हैं कि आउटसाइड ऑफ बिजनेस आवर कि तुमने मेरे बिजनेस के बाद नहीं करना तो आउटसाइड दैट वो आपके जो बिजनेस था आपने और वहां सेलेक्ट किए होंगे ना उसी के दौरान आपकी आज वो क्या है रिस्पॉन्स करेगा बाद में नहीं करना ठीक है और इसको सेव कर देंगे तो आपको सेव हो गया हो गया अच्छा जी उसके बाद क्विक रिप्लाई ये बड़ा जबरदस्त इनका फीचर है क्विक रिप्लाई हमारा तो आज कुछ नहीं है और आप निकाल भी दे ये क्विक रिप्लाई पे आए हैं वो क्लिक किया हां इसका प्लस वाला बटन है आ रहा है यस सर प्लस वाला बटन करने के लिए क्लिक ठीक है अब इसको शॉर्टकट बनाया मैंने थैंक्स और क्या बता रहा है लंबा मैसेज टाइप करना
किया आपने स्पीकर अप्लाई में थैंक्स लिखना है शॉर्टकट उसका बन गया तो यहाँ पर आपने लिखा ये आपकी पीओएस सिस्टम और डिफरेंट चीजों में बड़ा काम आ रहा है मैं कहता हूँ थैंक्स फॉर एग्जाम्पल और यहाँ पर मैंने एक डिमी टेक्स्ट टाइप कर लिया जो कि बहुत ज्यादा हमने कस्टमर को बार बार यूज कर रहे हैं अब मैंने किया इसको सेव अच्छा मल्टीपल आप कर सकते हैं एक से ज्यादा भी कर सकते हैं ठीक है अब मैं फॉर एग्जाम्पल इधर कुछ और लिख देता हूँ और इधर उसका एक एक डिमी टेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया ठीक है अब मैं क्या जी फॉर एग्जाम्पल सेंड मैसेज किसको मैंने मैसेज सेंड करना है आपका नंबर क्या है अच्छा अब आपने करना क्या बैक स्लैश क्या करना है ये वाला बैक स्लैश अब आपके जो जो आपने शॉर्टकट बनाए होंगे मैसेज के वो आ जाएंगे जैसे मैं इधर क्लिक करता हूँ पूरा मैसेज टाइप हुआ आप इनको एंटर करो बात क्लियर होगी ये क्विक रिप्लाई सीएसआर डिपार्टमेंट में जो आपके क्लाइंट होगा कस्टमर होगा तो आप इसमें कैसे क्रिएट किया आपने कितने बार क्या रहा पर अगर तो दे रहा तो आप कर अच्छा हां इसके लिए बड़ा है इसमें अच्छा प्राइवेसी करनी थी हमने अकाउंट्स बिजनेस टूल कर रहे थे ना हम लोग क्विक रिप्लाई अवे ग्रेटिंग्स इंस्टाग्राम कैटलॉग्स अकाउंट्स प्राइवेसी चैट अच्छा ये हो गया अब जरा अच्छा हो गया ये इधर अच्छा अब जरा आगे देख ले आगे भी देख ले अब आगे क्या जी एडवर्टाइज फेसबुक हो चुका है बिजनेस टूल हो चुके हैं अच्छा आगे लेबलिंग के बाद अब ब्रॉडकास्ट और ग्रुप के ऊपर आएंगे लेबल्स का मतलब क्या होता है लेबल्स का मतलब ये होता है फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ये कस्टमर ये भी कस्टमर है ये भी कस्टमर है आपके इन्होंने पैसे देने इन्होंने किताबें वापिस करनी है ठीक है इनको ऑर्डर का फॉर्म ठीक है अब ये इनकी चीजें पड़ी है ठीक है अब आपने क्या किया क्लिक करके इनकी कैटेगरी बना के इसको लेबल लगा दी देखिए मजीद लेबल आप लगाना चाहते तो मर्जी लगा लेबलिंग होगी अब ये हामिद है हामिद आपने फॉर एग्जाम्पल पेमेंट कर दी अब यहाँ पर जाएंगे और हामिद को लेबल लगा देंगे लेबल चाहे अब कौन सा लेबल है पेड करना है अब आपके डिपार्टमेंट ने आपने लेबल कर दिया यार इस बंदे से तुमने अपने डिपार्टमेंट को कह दिया कि इसके मैं पैसे देने इनकी पेंडिंग पेमेंट है आपने से बात कर दी ठीक है तो आपका डिपार्टमेंट क्या करेगा यहाँ से जाएगा व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर जब आपने लेबल करके छोड़ दिया एक बंदे का काम है कि ऑर्डर की लेबलिंग करना ठीक है किनसे हमने बात कर दी किनका ऑर्डर आ गया किनका क्या आ गया ठीक है फिर लेबल पे गया लेबल पे जाने साथ ही आपको चीज नजर आएगी पेड वाला जिसमें मैंने इन्हें ऐड किया जैसे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे तो डायरेक्ट इनसे चैट शुरू हो जाएगी और वो चैट किससे हो रही होगी हैश से जो आपने बनाया होगा डैनल आप जो अपनी कैटलॉग के जरिए व्हाट्सएप मार्केट कैसे कर रहे होंगे एक इंडियन और अच्छे से 2 करोड़ रुपए की साड़ी है ये व्हाट्सएप मार्केटिंग से सेल कर दी बात समझ आई है जस्ट व्हाट्सएप मार्केटिंग से यानी कि कैसे फेसबुक इंस्टा से कनेक्ट है और व्हाट्सएप पे बंदे लगा के रिप्लाई जा रहे हैं ऑर्डर जा रहे हैं लेबलिंग हुई हुई है क्या तीन टूल्स बताए मैंने आपको क्या फेसबुक अच्छा आता है आपको बस ये थोड़ा सा आपके अंदर जो डर चीजें ठीक है इसको निकालना है इंस्टा का मैंने आपको बताया लिंक ही करना है
हाँ जी, यहाँ पर आपके ऑर्डर आपको मैंने संभालना बता दिया, ऑर्डर संभालने कैसे हैं, आपने क्लाइंट को कैसे डील करना है, ठीक है, उनके अप्लाई कैसे करने हैं, सारी चीजें। अब ग्रुप पे आते हैं, लास्ट टॉपिक है जी ग्रुप का। ब्रॉडकास्ट और ग्रुप में फर्क क्या है, ग्रुप और ब्रॉडकास्ट में फर्क क्या होगा जी? सिंगल सिंगल बुलेट मैसेज। अब मैं आपके इनबॉक्स में जाके मैसेज करूँ, ठीक है, मैं क्या हाल है आपको, लेकिन पर्सनल इंटरेक्शन की इस बंद ब्रॉडकास्टिंग कर रहे होते ब्रॉडकास्टिंग किस तरह होती है, मैं यहाँ पर जाता हूँ न्यू ब्रॉडकास्ट, आई थिंक 256 मेंबर्स जो होते हैं वो ऐड हो गए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी हम ऐड कर दिए हैं नेक्स्ट फिल वाले जितने भी यहाँ पर हैं, वैसे भी नहीं जा रहा हाँ भी वन के बाद नेक्स्ट वन है तीन चार नेक्स्ट अच्छा नेक्स्ट फिल आता है तो ठीक है ठीक है। नेक्स्ट फिल उठाई यहाँ से और मैंने कहा ये एक पिक्चर और मैंने इनको इमोशन, अब हर बंदा अपना अपना इनबॉक्स देख के इमोशन, तो दैट्स इज अ बेनिफिशियल फॉर ब्रॉडकास्टिंग। अब जब आप जाएंगे दैट्स मतलब ब्रॉडकास्ट, आप अब मैंने कहा ये पेड़ वाले बंदों को लेबल करें, अब इसके अंदर जब मैं करूंगा ब्रॉडकास्ट जो लेबलिंग वाले पेड़ वाले वो तो सबको मैसेज करा जाएगा, बात क्लियर है? पेज का वो एडिट व्हाट्सएप के बटन पे जाके आप इसको प्रॉपर इसके साथ लिंक कर जिन लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर ट्रैफिक देखे पर्पज अलग अलग, जो लोग चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप पर ट्रैफिक आ जाए, हम डायरेक्ट क्लाइंट से, मैंने अभी क्या कहा फेसबुक इंस्टा से और ये व्हाट्सएप से लिंक हो, तो इन तीन प्लेटफॉर्म कैसे यूज करें, ठीक है, आपकी पूरी प्रोडक्ट सेल होती है। और अभी भी आप कहेंगे हम अपने फॉर एग्जांपल के अपना पीओएस सिस्टम कैसे हैंडल करें, अपने क्लाइंट को रिप्लाई कैसे करें, ठीक है भाई, अब तो मेरे का कोई चीज रह नहीं है, प्रोडक्ट लेबल भी आपने कर लिया है, अपने ऑर्डर भी लेबल कर लिए वर्चुअल डिजिटल, ठीक है, और किसी क्लास में व्हाट्सएप मार्केटिंग नहीं हो रही, ठीक है, कि हमने इधर डिस्कस किया चीजों को फिर आगे, क्योंकि एक चीज रहेगी व्हाट्सएप एपीआई API, application programming interface. WhatsApp का application programming interface. अच्छा, ये WhatsApp आपको फ्री नहीं दिया, WhatsApp business आपको फ्री दे दिया उन्होंने, अब वो कमाते हैं WhatsApp API से।
ठीक है, उसमें क्या होता है आप 10,000 बंदे को एक क्लिक पे मैसेज मिलाएंगे, कोई ब्रॉडकास्ट की लिमिट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो पेड है। ठीक है, 4,000 बंदे को मैसेज कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके लिए मार्केट में कुछ टूल भी अवेलेबल है, जैसे कि स्नैपचैट वाले पे चल करती होगी की तरह, फेसबुक की तरह नहीं, एक्सेल पूरी स्लाइड अपलोड होती है एक्चुअली। ठीक है, अच्छा ये जरा आप इसके भी बता दो, ये बात कर रहे थे। अच्छा पहले व्हाट्सएप एपीआई वगैरह में तो फर्क समझ आ गई है, क्या कर रही है तुम्हें? आपको पेमेंट दे, आप जितना जो वो आपको दे देते हैं व्हाट्सएप जीपी इंडियन एक प्रोडक्ट है। ठीक है, और अगर मैं कोई एप्लीकेशन बनाता हूँ, ठीक है, और इस एप्लीकेशन के अंदर मैं बेसिकली अपना डेटाबेस यूज कर रहा हूँ, डबल कॉपी हो रही है, आपके मैसेज वगैरह जा रहे हैं, मेरे को भी आ रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के स्टेटस सेव करते हैं, ठीक है, आप लोगों के लास्ट सीन देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो अगर आप उसको प्लस पॉइंट अपना बनाएंगे तो आपको भी कोई बंदा प्लस पॉइंट बना रहा है। तो व्हाट्सएप जीपी हमेशा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप यूज करें, ठीक है, ऑफिशियल वे से चलें। उसमें पब्लिक रिव्यू लेने के लिए लाइव आना पड़ता है प्रोडक्ट के लिए। मैं बात करता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि मैंने बल्ब उठा लिया, अच्छा मैंने एक बल्ब उठा लिया चीज का, और बस बल्ब के ऊपर मैंने हमेशा जब फेसबुक की बात की तो मैंने कहा कि आप लाइव आए, लाइव आए, आप अपना फेस नहीं लेके आते, अभी प्रोडक्ट ले आता है। ठीक है, तो ये है, अब इनका कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ठीक है, अब ये एक जगह पर जाते हैं, ठीक है, एक साथ अपने बंदा लेते हैं, उसको यार वीडियो बनाओ, ठीक है, तो साथ ही असलाम वालेकुम जी, मैं यहाँ पर आके किंगडम वैली यहाँ पे चल रही है इस टाइम ना, ठीक है ना, हाँ तो मैं अभी यहाँ पर मौजूद हूँ किंगडम वैली में, ठीक है, और यहाँ पर आपके सामने जी 5-10 मरला के प्लॉट्स वगैरह बहुत कम रेट्स के ऊपर, इतनी साथ के ऊपर, ठीक है, तो सेल हो रही है, ठीक है, अगर आप मेरे थ्रू या इस कॉपर कोड के थ्रू आप अगर लेते हैं तो आपको 10% ऑफर मिलेगी, ठीक है, दैट ऑफर कर रहे हैं आप। ग्रुप शेयरिंग ये होती है, ग्रुप शेयरिंग का मतलब ये होता है कि उनकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। अब एक ग्रुप के अंदर फॉर एग्जाम्पल 23K मेंबर्स है, ठीक है, आपने ग्रुप के अंदर शेयर की, ठीक है, अब जैसे ग्रुप के अंदर शेयरिंग होगी तो वो जितने मेंबर्स हैं उसमें कम से कम 1,000 मेंबर तो देखेंगे ना, उसको व्यू आया, उनको फायदा हुआ, उनको फिर आगे जो जो उनमें से देखने वाले 1,000 में से 3 भी आगे शेयर कर देते हैं, उनके आगे वो चेन से चेन कंपाउंड बन रही होती है। ये फार्मूला हम लोग कंपाउंड इनकम में यूज करते हैं, बिजनेस स्ट्रेटजीज आप बढ़ते हैं, काम करते हैं, कंपाउंड इनकम से यूज कर रहे हैं, आपका टाइम्स, आपका फॉर एवर सारा कंपाउंड इनकम पे चल रहा है, ठीक है, मतलब बंदे जोड़ो कंपाउंड, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क बनाओ अपना, इसके पैसे उठाए उसको दे दिए, उसके पैसे उठाए उसको दे दिए, अपना मार्जिन उठाया, एंड वाला बंदे लास्ट पे कंपनी लेके भाग देती, ऐसा भी, ठीक है, फॉर एवर डिफरेंट लोग हैं, ठीक है, आपको सेवन स्टार देंगे, सेवन स्टार साल लग जाएंगे, कितने साल लग जाएंगे, ठीक है, उतने में वो कितने लोगों को अपने साथ जोड़ लेते, इतनी बड़ी वो चेन को जोड़ लेते, और अगर आप इतनी बड़ी चेन जोड़ लेते हैं उसके बाद आपको फॉर एग्जाम्पल वो दे दे तो कोई आसान नहीं कर दे, ठीक है, इसी चीज को आप अपने प्रोडक्ट मॉडल के अंदर भी यूज कर सकते हैं। मैं बार बार कहता लोगों से सीटी करें, इम्प्लीमेंट करें, तो बात वही आ जाती है अक्सर काम करने की बात, आप काम कैसे करते हैं, आपका काम करने का आपका वर्किंग मॉडल क्या, आपका वर्किंग स्टाइल क्या,
पच्चीस मैंने पहले बात की कि अगर आप मेहनत करके सेल करना चाहेंगे तो 3 सेल नहीं होगी दादाजी। आप आए अपने प्रोडक्ट का रिव्यू दें, आपका स्ट्रक्चर का काम करते, लोगों को इन्फॉर्मेशन दें, उसका रिव्यू दें। मेरे पास एक उधर गेम टीम का लगा है, वो जिसे पहले मैं उसको तो वो मेरे पास ऐसा, मैं आपकी ना वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, आप ऐसा करें आप लेक्चर रिकॉर्ड करते थे तो वो मतलब मैं आपके पास आ जाऊँ काट के, तो मैं क्या अगर मैं सारा यूट्यूब का फैन होगा वो भी है मेरे पास, क्या कॉल ले आएगा पहली बात तो ये मेरा तो मुझे कोई शौक नहीं है यूट्यूब चलाने का, ठीक है कुछ तो मिलेगा जो जिस तरह नहीं होती है ना वैसे नहीं, जो जैसे लग रहा है वैसे आप यही बातें मुझे कहते दो दो मिनट के आप क्लिप्स दे दें, ठीक है मैंने कहा ठीक है, मैं रोड मैप बताऊंगा जस्ट एक बंदा उसने जी फॉर एग्जाम्पल मच का डेवलपर बनना कैसे बनता है, एक बंदे ने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करनी है कैसे भी कर सकता है, मैं उसको सिखाऊंगा नहीं, लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है ठीक है तो पहले तो देखिए चीज को मार्केट करने का सेल करने का तरीका है, आप सिर्फ ये बिजनेस डेवलपमेंट अगर आप कोच कहीं से ले ना, ठीक है तो अच्छा खासा चार्ज करते हैं, तो आप एक बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है अपने आप को इस स्किल के ऊपर तैयार करें, डिजिटल मार्केटिंग तो टूल है आपके पास, असल में तो आप लोगों को, मेरे एक दोस्त है अदील जाजला इस्लामाबाद में होता है, ठीक है तो वो बेसिकली सेल्स और रियल एस्टेट बिजनेस डेवलपमेंट देख रहे हैं, इतना इतना चार्ज करता है ना एक सेशन का, तो सोच आप देखिए कासावती शाह ऐसे ग्रूमिंग स्किल आपके आप ग्रूम करता है, ठीक है कहाँ से ग्रूम करता है, किताब पढ़ मामला पढ़ किसकी किताबें पढ़ता है, मोटिवेशन की, ठीक है दूसरे लोगों की बातों की, ठीक है बिल्कुल आप ही ऐसे फील्ड पकड़े उस फील्ड में आप ग्रूम हो, ग्रूम ये होना नहीं है कि आपको डैशबोर्ड चलाना था तो ग्रूम आप क्लिक करना तो ग्रूम नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच उसके बाद देन आपकी आपके पास इतना नॉलेज हो कि आपके आपको जब कुछ बता क्वेश्चन कर रहा हो कि मैं अपना बिजनेस कैसे डेवलप करता हूँ तो आप उसी टाइम उसके बिजनेस में जंप कर दें, आपके अंदर इतनी पहले तो वो बर्थ हो ना कि आप उसके बिजनेस में जंप करके वहां की सिचुएशन देखें और वहां से निकलने का रास्ता और उसको बिल्ड करने का रास्ता बना के उसको दे दें, और वो जो आप दे रहे होंगे ना वो आप समझ लें कि आपके लिए कोई वैल्यूएबल चीज है, बंदे के लिए भी है और उसका एक अच्छी अमाउंट चार्ज करते हैं, तो आप बिल्कुल करें चीजों के ऊपर, और दूसरी बात ये कि हम लोग YouTube बेसिकली एक सर्च इंजन है और ये हमारा जो है ना सोशल मीडिया के जिन लोगों का लास्ट में ये जो सोशल मीडिया का तो वो मुझे बता दें, ठीक है तो सोशल मीडिया पे तो यही आ रहा है YouTube हमारा आ जाता है उसके अंदर गूगल एड्स वगैरह के सर्च इंजन पे है, फेसबुक और यूट्यूब दोनों शेयर नहीं करते हैं, डायरेक्ट आपने शेयरिंग नहीं करनी वो आपको व्यू नहीं देता, यूट्यूब को डायरेक्ट आपने फेसबुक पे शेयर नहीं करनी, एक वीडियो है वो यूट्यूब पे लग से लगाई हो उसी वीडियो को उसका थंबनेल लगा के आप उस वीडियो की थोड़ा कट ले लें ऊपर, ठीक है उस कट को वहां पर पेस्ट करें, ठीक है और वो आपका बता रहे हो फेसबुक रील टाइम रील अपलोड करें उसकी, ठीक है और नीचे क्या होता है कि लोगों ने पिन किया होता है जब मैं कमेंट को उन्होंने बीच में लिखा होता है तो उससे ट्रैफिक होती है, अगर आप डायरेक्ट शेयर करेंगे तो नहीं, ग्रुप पे ये मसला नहीं, ग्रुप पर आया मतलब उसमें ये मसला नहीं, जैसे मान शेयर करें
लेकिन प्रोफाइल के ऊपर पेज के ऊपर मत देना, वो व्यू नहीं देगा। फेसबुक एल्गोरिथम तो देगा कि अगर कोई वीडियो आपने शेयर कर दी है बजाय पेज पे बैक ग्रुप में कर दी। हां ग्रुप ग्रुप में कर ग्रुप में बस वाली पेज में पेज और प्रोफाइल के नीचे सवाल दूसरी टेक्निक है ना नीचे प्राइवेसी बिल्कुल बिल्कुल प्राइवेसी माय आपने एक तो शेयर सुनाया नहीं है आप जब से आए अभी तक आपको बिल्कुल दीवान निकले ना चाहिए था आज तुम सारे तुम्हारे आदि सुनते हैं मिठाई भी लाने लगे हैं यदि साहब है अल्लाह उनको जन्नत में हां ये मेरा ये वाह वाह नहीं सुना रहा सुनाया नहीं है ये शायद पर क्या लोग चाहिए मुशायरे में तो शायरी होती है वो समझ समझ के आदमी लोग बैठे चले बात खत्म तो आप हमें जो सुनाए मेरा मैं सुनाऊंगा क्या सुनेंगे आप मैं तो सुनेंगे अब कल कल किस लिए अभी अभी बता रहा कल थोड़ा ही ये रात को ना